हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लघुगणकीय अवकलन यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। अब लघुगणकीय अवकलन होता क्या है? यह एक प्रक्रिया है, या यूं कहें कि यह एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग कुछ विशेष प्रकार के फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं। अब वो फलन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपके पास एफ एक्स फंक्शन दे दे एक्स का पावर साइन एक्स। हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन के घातांक में एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से दिए, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फंक्शन एक्स है इसका घातांक में यह एक चर फलन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जब फंक्शन दिया हो, या ऐसे कुछ इस तरह से दे दिया हो आपके पास रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स, इस तरह से आपके पास दो या दो से अधिक फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए, गुणनफल या भागफल के रूप में भी दिए होंगे, गुणनफल के रूप में दे, या फिर मान लो हमारे पास एक फंक्शन इस तरह से दिया हो रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू बाई रूट अंडर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो इस तरह के जो फंक्शन दिए गए होंगे तब हम लोग लघुगणकीय अवकलन का प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि यदि यदि ऐसे फलनों का अवकलन करना हो जिसमें घातांक भी उसी चर राशि का फलन हो, देख रहे हैं ना, यहाँ इसी चर राशि का यह भी आपका फलन है, एक्स चर राशि में ही फलन हो, अथवा वह फलन जिसका अवकलन करना हो कोई, या कई, ऐसे कर देते हैं, कई फलनों का गुणनफल या भागफल हो तो ऐसे फलनों का अवकलन उनका लघुगणक लेकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, अवकलन ज्ञात करने की इस प्रक्रिया को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसमें कि कैसे अवकलन हम लोग ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम लोग अवकलन ज्ञात करने से पहले कुछ लघुगणक के लिए, लॉगरिथम के लिए कुछ सूत्र हैं। वैसे तो मैंने एक अलग से आपको वीडियो बना रखी है लॉगरिथम पर, उसको आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉगरिथम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं, उन कुछ फॉर्मूले को प्रूव भी कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो लॉगरिथम टॉपिक को आपको पढ़ना होगा तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा या प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। तो कुछ उपयोगी सूत्र हैं, उनको देख लेते हैं। log m इंटू एन दिया हो, ठीक है, बेस में यहाँ ई दे दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, log m प्लस में log n, यानी कि देखो ये इंटू में है तो यहाँ ये अलग अलग प्लस में चला जाएगा। अगर तीन फंक्शन होंगे तो m n, और मान लो कोई यहाँ पे p भी हो तो log p भी आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। इसको हम लोग प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लेट हम लोग log m को यहाँ पर मान लेते हैं x, और log n को जो मान लेते हैं यहाँ पर y। ठीक है,
तो ये लॉग इधर से हटाएंगे ना तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे ये ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। एक्चुअल में लॉग जो होता है एक्सपोनेंशियल का रिसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये लॉग इधर से हटा कर इधर लाएंगे तो ये ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह से एन इक्वल टू में ई टू द पावर वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी एम इंटू एन की बात करते हैं, तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू में ई टू द पावर वाई, एम इंटू एन इक्वल टू में ई टू द पावर, देखो बेस बेस सेम तो पावर को ऐड कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखो, अब वापस से हम लोग ई को इधर लाएंगे तो ये लॉग बन जाएगा, लॉग बेस में ई रहेगा और एम इंटू एन इक्वल टू में एक्स प्लस वाई बचेगा, तो यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो लॉग एम इंटू एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह ये रख देते हैं एम और प्लस में लॉग एन, यही ना हमें प्रूव करना था। तो ये आप याद रखोगे, क्योंकि अगर इंटू में हो तो इस तरह से हम उसे प्लस में कर सकते हैं, समझे ना। चलिए एक और देखते हैं, सेकेंड नंबर फॉर्मूला, लॉग एम बाई एन के लिए, इसका हो जाता है लॉग एम माइनस का लॉग एन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट लॉग एम को एक्स ले लेते हैं और लॉग एन को वाई ले लेते हैं, तो यहाँ से एम इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और एन इक्वल टू में ई टू द पावर वाई हो जाएगा। बस जान लेना, ये लॉग हटा इधर जाके ये बेस में आ जाएगा, ये पावर बन जाएगा। अब ये कैसे होता है, मैंने बताया ना कि लॉगरिथम से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको जरूर जाके देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इन दोनों को इसमें इससे डिवाइड करते हैं, तो एम बाई एन इक्वल टू में जरूरत के अनुसार, क्योंकि यहाँ डिवाइड है ई टू द पावर एक्स और बाई में ई टू द पावर वाई, एम बाई एन इक्वल टू में हो जाएगा ई टू द पावर, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक्स माइनस वाई, डिवाइड में तो यही ना होगा। चलिए अब ये ई इधर आएगा तो लॉग बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल इधर आएगा लॉगरिथम बन जाएगा, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, और इधर एक्स माइनस वाई, तो हमें यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू रख देना है, क्या था लॉग एम माइनस का लॉग एन, यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि ऐसे डिवाइड में हो तो उनको हम लोग माइनस में ऐसे चेंज कर सकते हैं, समझे ना। चलिए अगला प्रूफ देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं थर्ड नंबर, लॉग एम का पावर एन दिया हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है एन लॉग एम, पावर को पावर नीचे उतर जाता है अगर बाहर लॉग लगा, ये देख रहे हैं ना पावर यहाँ आ जा रहा है, समझ रहे इस फॉर्मूले का मतलब। चलिए तो हम लोग इससे बनाते हैं, हमारे पास लॉग ई बेस में है और एम का पावर एन है, तो हम इसे चाहें तो लॉग इसे हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, कितना एन टाइम्स, ठीक है। यहाँ एम का पावर एन का मतलब ही ना है, एम 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 कितना टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम प्लस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से इंटू में तो प्लस में चला जाता है ना जी, लॉग एम प्लस लॉग एम ये कितना टाइम्स हो जाएगा, एन टाइम्स ये भी जाएगा, ठीक है। तो एन टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो एन इंटू लॉग एम नहीं आ जाएगा, ये एन टाइम्स है। अब सोचो ना, आप टू 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 फाइव टाइम्स में है तो हम लोग इसे फाइव इंटू टू नहीं लिख देते, उसी तरह ये एम टाइम्स है तो यहाँ एन टाइम्स है तो एन इंटू में इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कि लॉग एम का पावर एन की बात करेंगे तो इसका एन लॉग एम हो जाएगा, समझे ना, मतलब पावर नीचे उतर जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और प्रूफ हम लोग देखते हैं कि अगर लॉग दिया हो, ठीक है, बेस में यहाँ ए हो और यहाँ भी ए हो तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना बात को। आप इसे बना भी सकते हो इस तरह से, लेट लॉग बेस में ए है यहाँ पे भी ए है इक्वल टू में एक्स ले लेते हैं तो ये इधर से हटेगा तो ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये इधर जाके ए टू द पावर एक्स। अच्छा ए का कितना पावर यहाँ लिख सकते हैं, वन, कुछ नहीं तो वन है, बेस बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, समझ गए ना। एक्स हम लोग इसी को ना माने थे, मतलब कि बेस और यहाँ पे जो नंबर हो वो भी दोनों सेम ही हो तो इसका वैल्यू वन हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है लॉगरिथम में ना, हम लोग ये सोचते हैं कि इसका कौन सा पावर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ए का पावर कितना करेंगे तो ए आएगा, तो वन, समझ रहे ना।
इसके बारे में अगर आपको बेहतर से जानना हो ना लॉगरिथम के बारे में, तो आपको मैंने बता रखा है ना कि पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके आप देख लेना। एक्चुअल में 11th क्लास के लिए है, 11th क्लास में ही आपको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन फिर से आप यहाँ जाके देख लेना। बहुत सारे मैंने प्रूफ भी बताए हैं, सिखा भी दिया आपको पूरी तरह से लॉगरिथम। चलिए अब हम लोग लघुगणकीय अवकलन की बात कर लेते हैं। हम एक फंक्शन ले लेते हैं वाई इक्वल टू में, हमारे पास मान लो दिया हो एक्स का पावर साइन एक्स, तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं इस फंक्शन का जो घातांक है, यह अभी आपका इसी चर में एक फंक्शन दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि आपके पास फंक्शन के पावर फंक्शन ऐसे दिए हो, या फिर एक से अधिक फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो या फिर डिवाइड में हो, तब भी हम लोग लघुगणक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ, लॉगिंग बोथ साइड है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग वाई इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग एक्स का पावर साइन एक्स। जाहिर सी बात है पावर नीचे उतरेगा, अभी मैंने बताया था एक प्रूफ, तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। अभी से यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा अब यहाँ से, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स को वैसे ही, प्लस साइन एक्स को वैसे रख के और डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लॉग वाई का 1/y और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर साइन का यहाँ कॉस इंटू में लॉग एक्स प्लस साइन एक्स और लॉग एक्स का 1/x, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई इंटू में आपका कॉस एक्स लॉग एक्स और प्लस साइन एक्स बाई एक्स। हम लोग वापस से यहाँ वाई का वैल्यू रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स का पावर साइन एक्स था ना, वाई का वैल्यू एक्स का पावर साइन एक्स और इंटू में आपका कॉस एक्स लॉग एक्स और प्लस साइन एक्स बाई एक्स, समझ गए, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। जैसे एक और क्वेश्चन है कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं इसे मान लेता हूँ वाई इक्वल टू में रूट अंडर एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस फाइव। चलिए अब यहाँ वाई इक्वल टू में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर और बाई में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस फाइव का पावर 1/2। रूट हटेगा तो पावर में 1/2 लग जाएगा। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेने पर, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग वाई इक्वल टू में आ जाएगा लॉग क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव का पावर 1/2। तो पावर नीचे उतरता है, यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू में 1/2 लॉग, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अच्छा बाई में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव। चलिए लॉग है तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में जो होगा वो प्लस में जाएगा, डिवाइड में जो होगा वो माइनस में। 1/2 लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर और माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स और प्लस का फाइव, यही ना हो जाएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस में चले गए और ये माइनस में चले गए डिवाइड में, इसलिए। चलिए अब इसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग पहले डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे लॉग वाई का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसमें हर एक का डिफरेंशिएशन करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ हर एक का करेंगे एक एक करके, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x माइनस थ्री किसके रेस्पेक्ट में, x माइनस थ्री के रेस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस थ्री किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पे चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस फोर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर के रेस्पेक्ट में, फिर इंटू में एक्स स्क्वायर
प्लस 4 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस डिफरेंशिएशन होगा लॉग 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x² प्लस का 4x प्लस 5 के रेस्पेक्ट में। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो लॉग वाई का 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ देखिए क्या होगा, 1 बाई x-3 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x होता है और x-3 का 1 प्लस, आगे चलिए यहाँ 1 बाई x² प्लस 4 हो जाएगा और इंटू x² का 2x और 4 का 0 होता है माइनस, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5 इंटू में, यहाँ पे देखिए इसका 3x² का हो जाएगा 6x और 4x का हो जाएगा 4। 3x² का 6x, ये पावर नीचे उतरेगा तो 6 हो जाएगा, 6x प्लस में 4 आ जाएगा, समझ गए। चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में वाई बाई टू या 1/2y लिख सकते हैं, 1/2y, और यहाँ आ जाएगा आपका अंदर 1 बाई x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 और माइनस 6x प्लस 4 बाई में 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। अब वापस से हम लोग यहाँ y का वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन में था, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1/2 वाई की जगह पे रूट अंडर x-3 इंटू में x² प्लस 4, क्वेश्चन में ही ना था जी, और बाई में आपका यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 और ब्रैकेट के अंदर 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बाई में 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, समझ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझे ना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में दिए हैं, हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।